दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे हमारे वोल्टेज के बढ़ने पर हमारा जो करंट होता है वो करंट बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि हमारा ओम्स लॉ कहता है अगर वोल्टेज बढ़ता है तो वोल्टेज के साथ साथ हमारा करंट भी बढ़ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर हमारी हम पावर की बात करें, जो हमारी पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है दोस्तों, वहां पर हम देखते हैं प्रैक्टिकली अगर हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो वहां पर हमारा करंट जो है दोस्तों कम हो जाता है, अगर हमारा करंट बढ़ जाता है तो वहां पर हमारा वोल्टेज कम हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसका प्रॉपर आंसर जानेंगे, आखिर इसका प्रॉपर आंसर क्या है। अगर दोस्तों आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि हमारे वोल्टेज के बढ़ने पर हमारा करंट जो है वो कैसा बिहेव करेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा, तो आपको इसका आंसर क्या देना है। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको प्रॉपर क्या लाइन बोलनी है कि करंट बढ़ेगा या करंट घटेगा। तो दोस्तों फटाफट बिना देर करे इसका आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि इसको समझने में आसानी रहे। तो दोस्तों सपोज करो हमारी कोई थ्री फेस मोटर है, हम थ्री फेस मोटर रन कराने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमको थ्री फेस चाहिए होते हैं और दोस्तों हमको चाहिए होते हैं 415 वोल्टेज, यानी कि हमको चाहिए 415 वोल्टेज, ये हमारी थ्री फेस मोटर है। और दोस्तों सपोज करो हमारी मोटर जो है वो 100 किलोवाट की है, यानी कि जो इसकी जो पावर है वो कितनी है दोस्तों, 100 किलोवाट है। तो दोस्तों जो हमारे 415 वोल्टेज है ना, तो वो हमारे डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में मिलते हैं, हमको हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हमको कितने 415 वोल्टेज नहीं मिलेंगे, और जहां पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, यानी कि जहां पर जनरेशन हो रहा है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पर भी हमको 415 वोल्टेज नहीं मिलेंगे। वहां पर हमको क्या मिलता है, 11 kV या हमारा 33 kV, यानी कि ये सप्लाई हमको मिलती है। और ये सप्लाई जब हमारे ट्रांसफॉर्मर जो होता है दोस्तों, हमारे ट्रांसफॉर्मर पर ये सप्लाई आती है, ये सप्लाई आई है हमारे ट्रांसफॉर्मर पर 11 kV, यानी कि 1000 वोल्टेज हमारे ट्रांसफॉर्मर पर आई है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन हमारे ट्रांसफॉर्मर से आउटपुट निकली है और 415 वोल्टेज यहां से निकले हैं और ये गए हैं हमारे मोटर के लिए, और ये हो गया एक न्यूट्रल। तो दोस्तों हमारे मोटर पर 415 वोल्टेज गए हैं, हम करवा रहे हैं अपने मोटर को रन। तो यहां पर जो हमारी मोटर चलती है, यानी कि हमारी मोटर 100 किलोवाट की लगभग 130 एम्पियर करंट ले रही है, यानी कि इसका जो करंट ले रही है, करंट कैपेसिटी वो है 130 एम्पियर करंट लेकर हमारी मोटर चल रही है। तो दोस्तों 130 एम्पियर जो करंट है हम उसको कहां पर नाप रहे हैं, यानी कि हम अपना जो ट्रांसफॉर्मर है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है इसके आउटपुट पे ही तो नाप रहे हैं हम, जो अपने ये एम्पियर को चेक कर रहे हैं, जो हमारी मोटर का, यानी कि हमारी जो मोटर है उसके इनपुट में, इसका इनपुट हो गया हमारी मोटर का ये, लेकिन हमारे ट्रांसफॉर्मर का क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे ना इसको लेकर रीडिंग, यानी कि इसके एम्पियर को यहां पर ना चेक कर यहां पर चेक करता हूं जहां पर हमारी सप्लाई है 11 kV। तो यहां पर दोस्तों इस 130 एम्पियर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 5 एम्पियर। तो दोस्तों यहां पर कितनी आ रही है, 5 एम्पियर। तो दोस्तों इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, क्लियर ये हो जाती है कि हमारे जहां वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो हमारा करंट क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा करंट जा रहा है घट, और जब हमारे वोल्टेज घट रहे हैं तो हमारा जो करंट है वो क्या जा रहा है, बढ़ जा रहा है। क्यों दोस्तों, यहां पर आप देख भी सकते हो, अभी हम बात कर रहे हैं यहां की, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट है वहां पे वोल्टेज है हमारे 415, लेकिन हमारी मोटर जो करंट ले रही है वो 130 एम्पियर खींच रही है करंट, यानी 100 किलोवाट की 130 एम्पियर खींच रही है। वही अगर मैं इस चीज को यहां पे चेक कर रहा हूं, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का इनपुट है, तो दोस्तों जब मैं इसको यहां पे चेक कर रहा हूं तो यहां पे आ रहे हैं हमारे लगभग 5 एम्पियर, और दोस्तों यहां पे वोल्टेज कितने ज्यादा हो जा रहे हैं, 11000 वोल्टेज हो जा रहे हैं यहां पे, यानी कि जैसे जैसे हमारे वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो हमारा करंट कम हो गया 5 एम्पियर, हमारे वोल्टेज यहां पर घटे 415 वोल्टेज हुए, तो दोस्तों हमारा यहां करंट भी बढ़कर हो गया 130 एम्पियर। तो ये चीज तो समझ आ गई दोस्तों, अगर हमारा वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो हमारा करंट जो है दोस्तों वो घट रहा है, अगर हमारे जो वोल्टेज है वे घट रहे हैं तो हमारा करंट जो है दोस्तों वो बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया। अब बात करें हमारे ओम्स लॉ की, मैंने आपको बताया था जो हमारा ओम्स लॉ होता है दोस्तों, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है हमारा V=I R, यानी कि जब हमारे वोल्टेज बढ़ेंगे तो हमारा करंट भी बढ़ जाना चाहिए, अगर हमारे वोल्टेज घटेंगे तो दोस्तों हमारा वोल्टेज भी घट जाना चाहिए। तो दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, ओम्स लॉ कह रहा है ये। लेकिन जो हमारी पावर है, हमने जो एग्जांपल देखा है यहां पर, यानी कि जो प्रैक्टिकली देखा है, उसमें क्या हो रहा है, अगर हमारे वोल्टेज कम हो रहे हैं तो हमारा करंट बढ़ रहा है, अगर हमारा करंट कम हो रहा है तो हमारे वोल्टेज बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि आखिर ये सही है या ये सही है। तो दोस्तों
तो दोस्तों मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हमारा ये ओम्स लॉ भी बिल्कुल सही कह रहा है कि हमारे जब वोल्टेज बढ़ते हैं तो हमारा करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज घटते हैं तो करंट भी घटता है। और दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, अगर इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर करंट कम हो जा रहा है, 5 ही एम्पियर हो जा रहा है। अगर यहाँ पर वोल्टेज घट रहे हैं यानी 415 हो जा रही है वोल्टेज घटकर 11,000 से, तो यहाँ पर करंट भी 130 एम्पियर हो जा रहा है। तो दोस्तों ये दोनों ही चीज सही है, लेकिन अब एक यानी कि अब आपको मुख्य एक पॉइंट पता होना चाहिए कि आखिर किस कंडीशन में हमारे वोल्टेज के बढ़ने पर हमारे एम्पियर भी बढ़ेंगे और वोल्टेज के घटने पर हमारे जो एम्पियर है यानी कि हमारा जो करंट है वो भी घटेगा, और किस कंडीशन में अगर हमारे वोल्टेज बढ़ते हैं तो करंट कम हो जाएगा और अगर वोल्टेज कम होते हैं तो करंट ज्यादा हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा। अगर आप इसका यह पॉइंट समझ गए और यह पॉइंट ही इसका आंसर है दोस्तों, तो फटाफट मैं इस पॉइंट को भी आपको बता देता हूं। का सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं, जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में आता है जो हमारी पावर जो होती है, अगर हमारी पावर कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट मतलब दोस्तों एक तरह से फिक्स रहेगी, यानी कि जिसमें हमारी पावर क्या है, इसमें है हमारी जो पावर है दोस्तों वो है किलोवाट, यानी किलोवाट जो होती है हमारी पावर होती है, हमारी चाहे वाट की बात कर लो वाट भी पावर में आएगी, और दोस्तों हमारी एचपी जो होती है वो भी हमारी पावर में ही आएगी। दोस्तों अगर हमारी पावर क्या है, कांस्टेंट यानी एक तरह फिक्स है, मतलब ना हमारी पावर ज्यादा हो रही हो और ना ही कम हो रही हो, मतलब एक बिल्कुल कॉन्स्टेंट पावर हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, यानी कि हमारी अगर फिक्स पावर है, जैसे हमारी ये हमारी मोटर थी 100 किलोवाट, ये एक फिक्स पावर है बिल्कुल, ना तो ये कम हो रही है और ना ही ये ज्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, उस कंडीशन में होता है अगर हमारे वोल्टेज बढ़ते हैं उस कंडीशन में तो हमारा जो करंट है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जो आप देख भी रहे हो यहां पर कितने एम्पियर करंट ले रहा था हमारा मोटर, 130 एम्पियर करंट ले रहा हमारा मोटर। लेकिन अगर मैं ट्रांसफॉर्मर से पहले ही इसको नाप लूं इस सप्लाई को, क्योंकि ये हमारी सप्लाई कहीं और वेस्ट नहीं हो रही है, हमारे ट्रांसफॉर्मर से होते हुए हमारे सीधे मोटर में आ रही है और कहीं पर वेस्ट नहीं हो रही है, तो दोस्तों अगर मैं इसको यहां पर सप्लाई को यहां पर मेजर कर रहा हूं एम्पियर को, इसके करंट को, तो यहां पर आ रही है सिर्फ 5 एम्पियर, लेकिन यहां पर जो वोल्टेज है दोस्तों, यहां पर वोल्टेज है कितने, 11,000 वोल्टेज है हमारे, लेकिन यहां पर वोल्टेज हो गई 415, लेकिन मैं इसको यहां पर एम्पियर मेजर कर रहा हूं तो हमारे आ रही है 130 एम्पियर। तो दोस्तों इससे ही समझ आ रहा है अगर हमारी पावर जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि ना तो कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वोल्टेज के बढ़ने पर करंट जो है दोस्तों कम हो जा रहा है। अगर हमारे वोल्टेज कम हो रहे हैं, यहां पर 415 वोल्टेज हो रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारा करंट भी बढ़ जा रहा है। तो इससे हमको यह समझ आया अगर हमारी पावर कॉन्स्टेंट है तो उस कंडीशन में ये हमारा जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट जो है दोस्तों इसके विपरीत यानी उसके उल्टा बिहेव करेगा, अगर हमारी पावर कॉन्स्टेंट है तब, अगर हमारा वोल्टेज घटता है तो हमारा जो करंट है वो बढ़ जाएगा। अब आती है नंबर 2 पॉइंट की बात दोस्तों, दूसरे पे आती है ओम्स लो। जो ओम्स लो क्या होता है दोस्तों, हमारा ओम्स लो होता है V इक्वल टू I इनटू R। दोस्तों ये क्या दर्शाता है, ये हमारा वोल्टेज एम्पियर और रेजिस्टेंस जो होता है इन तीनों के बीच के संबंध को दर्शाता है, यानी कि अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो दोस्तों हमारा जो एम्पियर है वो क्या होगा, एम्पियर बढ़ेगा या घटेगा, अगर हमारा एम्पियर बढ़ेगा या घटेगा तो दोस्तों हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, यानी रेजिस्टेंस घटेगा या रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा यह घटेगा तो हमारा वोल्टेज और एम्पियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब दोस्तों जो हमारा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हमारी पावर का कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है, मतलब इसका पावर से कोई भी लेना देना नहीं है, बस ये बताता है तो इन तीनों के बीच के संबंध को बताता है, हमारे वोल्टेज एम्पियर यानी कि करंट और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक या रुकावट, दोस्तों इन तीनों के बीच के अंतर को हमारा दर्शाता है क्या, ओम्स लो। लेकिन ओम्स लो कह रहा है अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो एम्पियर भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो दोस्तों एम्पियर भी घटेगा। दोस्तों ये किस कंडीशन में होगा, इसके लिए एक कंडीशन है, अगर दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये जो रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस स्थिर रहता है, रेजिस्टेंस जो है दोस्तों अगर ये कांस्टेंट रहता है अपनी जगह पर, तो दोस्तों तब क्या होगा, अगर हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो दोस्तों एम्पियर यानी कि करंट भी हमारा बढ़ जाएगा, अगर रेजिस्टेंस स्थिर है, फिक्स है रेजिस्टेंस, तो उस कंडीशन में होगा ये, यानी कि जैसे हमारा पहली वाली जो कंडीशन थी वो पावर वाली कंडीशन थी, अगर पावर फिक्स है तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट उसका उल्टा बिहेव करता है, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट उसका उल्टा बिहेव करता है, अगर पावर कांस्टेंट है हमारी। अगर यहां पर बात कर रहे हैं हम क्या, जो रेजिस्टेंस है, अगर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है यानी कि फिक्स है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो साथ ही साथ करंट भी बढ़ेगा, अगर
अगर हमारा वोल्टेज घट रहा है तो हमारा जो करंट है वो भी घटेगा, यानी कि हमारे एम्पियर भी घटेंगे। तो दोस्तों आपको इंटरव्यू में क्या आंसर वो देना है, अब इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको इंटरव्यू में ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, सिंपल बोलना है। अगर देखो आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि वोल्टेज के बढ़ने पर तो हमारा करंट क्या बिहेव करता है, करंट बढ़ेगा या करंट घटेगा, तो आपको सिंपल आंसर देना है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है कि सर इसकी दो कंडीशन होती है। एक होती है अगर हमारी पावर कॉन्स्टेंट यानी फिक्स है, तो उस कंडीशन में जो होगी, अगर पावर फिक्स है तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा, पावर फिक्स कंडीशन में। अगर दोस्तों हमारा बात करें हमारी, अगर हमारा रेजिस्टेंस फिक्स है, अगर हमारा रेजिस्टेंस फिक्स है तो हमारा अगर वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा जो करंट है दोस्तों वो भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज हमारा कम हो रहा है, घट रहा है, तो हमारा करंट जो है दोस्तों वो भी घटेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज वोल्टेज के साथ जो एम्पियर है वो कैसा बिहेव करता है, कब बढ़ता है और कब घटता है। उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।